शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। रविवार को नागभीड रेलवे जंक्शन से आखिरी बार चलने वाली तीनों नागभीड नागपुर पैसेंजर ट्रेन को शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में नागपुर के लिए रवाना किया गया। सुबह 8 बजे तथा दोपहर 12:30 बजे रवाना होने वाली पैसेंजर ट्रेन को विदा करने के लिए शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शाम 4:30 बजे आखिरी बार चलने वाली इस ट्रेन को विदा करने के लिए गढ़चिरौली के सांसद तथा अन्य मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नागभीड़ से नागपुर के बीच आने वाले अनेक छोटे गांव से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन काफी उपयुक्त थी। कम दाम में यात्री इस पैसेंजर से यात्रा करते थे, लेकिन 106 साल नागभीड़ नागपुर की पटरियों पर दौड़ने वाली इस ट्रेन को रेल विभाग ने बंद करने का निर्णय लिया है। अब इस मार्ग का ब्लॉक ट्रेन में रूपांतर किया जा रहा है। शाम 4:30 बजे नागपुर के लिए रवाना होने वाली आखिरी ट्रेन को विदाई देने के लिए नागभीड़ रेलवे जंक्शन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गढ़चिरौली के सांसद अशोक नेते समेत नगराध्यक्ष उमाजी हीरे, गुलजार भाई थम्माने, अवेश पठान, गणेश सर्वेकार आदि शहर के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। उपस्थित महिलाओं ने ट्रेन की आरती उतारी। सांसद अशोक नेते तथा अन्य मान्यवरों ने इस ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड व टीसी को शॉल व श्रीफल देकर आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी।